10 बाय 12 फुट के रूम में टाइल्स लगाने का कुल कितना खर्चा होगा 2024 में? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मटेरियल का क्वांटिटी निकालने से पहले कि फ्रेंड हमारा जो फ्लोर एरिया में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो 10 फुट आपका चौड़ाई, 12 फुट लंबाई, तो कितना हो जाएगा, 120 स्क्वायर फुट हो जाएगा। अब हम बात कर लेंगे कि टाइल्स लगाने से पहले आपका जो मसाला बनता है बेड, ठीक है, सीमेंट प्लस सैंड का जो बेड बनाते हैं टाइल्स लगाने से पहले नीचे, वो 2 इंच का बनता है, ठीक है, जिसका मसाला का रेशियो होता है, यहाँ पे लिखते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं, 1:4, ठीक है, 1 बैग सीमेंट और 4 पार्ट आपका क्या होता है, सैंड होता है। इसी मोर्टार जो बनेगा मसाला, इसी मसाला से 2 इंच का हमें बेड बनाना पड़ता है, ठीक है, साला का अनुपात है ये। तीसरा पॉइंट का अगर बात कर लें तो फ्लोर टाइल्स टाइल का साइज 2 फुट बाय 2 फुट, आप चाहे तो 2 फुट बाय 4 फुट का भी मंगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मटेरियल का बात कर लें। सबसे पहला मटेरियल आपका हो गया सैंड यानी कि बालू, रेत, कच। तो 120 स्क्वायर फुट 10 बाय 12 फुट के रूम में यह 24 CFT लगेगा, क्यूबिक फुट लगेगा। अगर रेट का बात कर ले तो हमारे एरिया में, आपके एरिया में 10-20 रुपया कम बेसी हो सकता है, मेरे एरिया में यह 80 रुपया है पर क्यूबिक फुट। तो उसके अनुसार यह कितना हो जाएगा, 24 क्यूबिक फुट गुने अगर हम कर दें 80 रुपया तो 1920 रुपया हो जाएगा। आपके एरिया में यह रेट 60 से 65 भी हो सकता है, ठीक है, देख लीजिएगा, जो भी रहे आप गुना कर लीजिएगा, क्वांटिटी सेम रहेगा। फिलहाल ये रेट 2024 का है हमारे एरिया बिहार के रीजन में, 10-20 रुपया कम बेसी हो सकता है आपके एरिया में। सेंट के बाद हम सीमेंट का बात कर लें तो सीमेंट आपका अप्रॉक्स आपका 10 बाय 10 के रूम में 4 बैग लगता है, तो 10 बाय 12 के रूम में यह 5 बैग लगेगा। आपका रेट 400 रुपया हम पकड़े हैं, कहीं कहीं ये 410 रुपया भी होता है, ठीक है, तो थोड़ा हाईलाइटेड पेन से लिख देते हैं, 400 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 20 यानी कि 2000 का आपका सीमेंट हो गया, ठीक है। 5 बैग में आपका जो घोल बनाएंगे वो, और 2 इंची का मसाला का जो बेड बनाएंगे टाइल्स के नीचे बैठाने के लिए, वो सब इसमें हो जाएगा, 5 बैग मंगाना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा है फ्लोर टाइल और स्क्रीटिंग टाइल्स, ठीक है। फ्लोर टाइल्स के लिए आपका सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक जो टाइल आता है वह आपका 2 फुट बाय 2 फुट का हम ले रहे हैं तो 4 स्क्वायर फुट का आएगा, ठीक है, और एक पेटी में 4 टाइल्स आता है, तो 4 और 1 टाइल्स कितना स्क्वायर फुट का है। तो फ्रेंड एक पेटी में 4 टाइल्स जो आता है और 1 टाइल्स का कितना स्क्वायर फुट है, 4, तो कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर फुट हो जाएगा। अब फ्लोर टाइल्स निकालने के लिए हमें हमारे पास जो फ्लोर का एरिया कितना है, 120 स्क्वायर फुट, अब बट्टा एक पेटी का टाइल्स का कितना स्क्वायर फुट है, 16, क्योंकि एक पेटी में 16 स्क्वायर फुट टाइल्स होते हैं। जब आप इसको भाग दीजिएगा, जब इसको आप भाग दीजिएगा, भाग यानी कि काटिएगा, तो यह 7.5 पेटी निकल के आएगा, ठीक है, पेटी यानी कि बॉक्स। तो आप ये बोलिए कि 7.5 पेटी कोई नहीं देगा, इसीलिए आपको यह अप्रॉक्स 8 पेटी मंगाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेंगे स्क्रीटिंग टाइल्स के लिए। तो स्क्रीटिंग जो टाइल्स होता है, जैसे कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, फ्लोर टाइल्स के चारों तरफ दीवार में यह स्क्रीटिंग टाइल्स 4 से 6 इंच का लगाया जाता है। तो स्क्रीटिंग टाइल्स
यह हो गया 10 फुट, यह हो गया 10 फुट, और यह 12 और यह 12, तो 12 दूना 24 और 20, 24 20 हो गया 44 रनिंग फुट हो गया। और हमें तो 44 रनिंग फुट स्केटिंग जो टाइल्स है उसमें अप्रॉक्स आपको एक पेटी स्केटिंग के लिए लग जाएगा। यह कैसे निकल के आया, तो देखिए 44 रनिंग फुट है, इसको स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करने के लिए कितना चौड़ाई वाला स्केटिंग लगेगा, तो 4 इंची वाला हम ले रहे हैं, 4 इंची को 12 फुट में कन्वर्ट करने के लिए 12 इंच से डिवाइड कर देंगे, तो यह अप्रॉक्स 44 × 4/12, तो यह देख सकते हैं 14.66 है, तो इसको 15 मान लीजिए, और एक पेटी में 16 स्क्वायर फुट है, तो मान के चलिए यह 1 पेटी लग जाएगा। ठीक है, तो फ्लोर और प्लस स्क्रीटिंग के लिए यह 9 पेटी टाइल्स निकल गया। एक पेटी में आपका 16 स्क्वायर फुट है, तो 9 पेटी में कितना हो जाएगा, 16 × 9, तो 144 स्क्वायर फुट हो जाएगा, कितना 144 स्क्वायर फुट। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा, तो एक पेटी में 4 टाइल्स और एक टाइल्स 4 स्क्वायर फुट का है, तो यह हो जाएगा 16 स्क्वायर फुट। लेकिन यहाँ पे हमें अभी अभी बताए हैं आपको कि हमारा 9 पेटी लगेगा और एक पेटी में 16 स्क्वायर फुट टाइल्स आते हैं, तो 16 नमा हो गया आपका 144 स्क्वायर फुट टाइल्स लग जाएंगे। एक स्क्वायर फुट टाइल्स का कीमत 45 रुपीज़ हम लेके चल रहे हैं मिनिमम, और जो आपको टाइल्स मंगाना है वह आपको फ्लोर के लिए बैटरी 5 टाइल्स, जो कि फ्लोर के लिए बाथरूम हॉल और आपका हो गया बेडरूम में बेस्ट माना जाता है। कजरिया का मंगाइए, चाहे अदर जो भी सोमानी का मंगाइए, निटको का मंगाइए, किसी भी ब्रांड का मंगा सकते हैं, कजरिया, निटको, सोमानी, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा, अच्छे ब्रांड है ये लोग, ये सारे टाइल्स का। तो ये कितना हो जाएगा, 144 स्क्वायर फुट × 45 रुपया कर देंगे, तो 6,480 रुपया, 6,480 रुपया का टाइल्स हो गया। अब बात कर लेंगे ग्रॉटिंग, जो फिलअप करने के लिए दो टाइल्स के बीच को 2 kg व्हाइट सीमेंट हम मंगा रहे हैं, तो यह 50 रुपये पर kg के अनुसार एक अच्छे, ऐसे तो 30 रुपये मिल जाता है, पैकेट मंगाएंगे तो वही 30-40-50 रुपये के आसपास, तो 100 रुपया का हो गया। अब बात कर लेते हैं लेबर का, तो देखिए फ्लोर टाइल्स के लिए अलग रेट है, 16 रुपया पर स्क्वायर फुट इंस्टॉलेशन का, और स्क्रीटिंग के लिए टाइल के लिए 15 रुपया पर स्क्वायर फुट है। तो सबसे पहले फ्लोर का बात कर लें, तो फ्लोर हमारा कितना है, 120 स्क्वायर फुट × 16 रुपया, तो 120 स्क्वायर फुट फ्लोर गुने 16 रुपया, तो यह कितना हो जाएगा, 1920 रुपया, 1920 रुपया फ्लोर के लिए, और स्केटिंग के लिए तो यह हो जाएगा 44 रनिंग फुट गुने 15 रुपया, 660 रुपया। सभी को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो टोटल टाइल्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, जैसे कि हम सैंड का जोड़ रहे हैं, तो सैंड का 1920 रुपया प्लस सीमेंट का अगर जोड़ दे तो 2000 रुपया, ये हो गया। उसके बाद स्केटिंग प्लस फ्लोर टाइल्स का अगर बात कर लें तो 6,480 रुपया प्लस
2 kg व्हाइट सीमेंट का बात कर लेते हैं, 100 रुपया प्लस फ्लोर के लिए लेबर कॉस्ट, टाइल्स इंस्टॉलेशन के लिए 1920 रुपया प्लस स्क्रीटिंग के लिए 660 रुपया। देख सकते हैं टोटल को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये दोस्तों 13,080 रुपया आएगा। कितना? 13,080 रुपया। तो कैसा लगा ये जानकारी? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके समझाए हैं, दोबारा रिपीट करके देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फ्रेंड, इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक ले दोस्तों जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।